2024 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને હરાવવા માટે અને તેના ત્રીજી વખત વિજય રથને અટકાવવા માટે વિપક્ષી દળોની બેઠક છે તે બેંગલુરુ ખાતે મળી છે। આ બેઠકમાં 25 થી વધુ વિપક્ષી દળો છે તે એકઠા થયા છે। ત્યારે આ બેઠકમાં શું ચર્ચા થઈ છે અને શું છે સમગ્ર વિગત તે જાણો આ રિપોર્ટમાં। लोकसभा चूंटणी 2024 में भाजप ने हरावा माटे सोमवारे बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बीजी बैठक शुरू थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पण बेंगलुरु पहुंची गया। कांग्रेस ना महासचिव वेणुगोपाले जणाव्युं के 26 पार्टी आ विपक्षी दल की बैठक माटे पहुंची है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चार्टर प्लेन थी बपोरे बेंगलुरु पहुंचा ने तमाम विपक्षी नेताओं ने सोनिया गांधी द्वारा सांजे डिनर माटे आमंत्रित कराया। आ बैठक में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश, ममता बेनर्जी सहित केटलाय नेताओं पहुंची चुक्या छे। तो पार्टी तूट्या बाद शरद पवार सीधा मंगलवारे बैठक में शामिल थशे। सूत्रोना जणाव्या अनुसार विपक्षनी बैठक में एजेंडा में त्रण बाबत पर चर्चा थई शके छे। प्रथम, लोकसभा चूंटणी में विपक्षनी एकता, बीजी सीट शेरिंग अने त्रीजू यूपीएनुं नवुं नाम। एक बाजु ज्यां विपक्ष मंगलवारे 26 दल साथे बैठक करशे त्यां बीजी तरफ भाजपे पण 18 जुलाई एटले के मंगलवारे ज सांजे 4 वागे दिल्लीनी अशोका होटलमां एनडीएनी एक बैठक बोलावी छे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डाए कह्युं के आ बैठकमां 38 दल शामिल थशे। एनडीएनी बैठकने लईने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह्युं के मने अचरज थाय छे के मोदीजीए तो कह्युं हतुं के हुं एक ज दरेक विपक्षीओ पर भारे छुं। जो ते दरेक विपक्षीओ पर एकला भारे छे तो एनडीएनी मीटिंग में 30 पार्टीओ ने केम बोलावी रह्या छे, ते अमारी मीटिंग थी गभराई गया छे। आ तरफ जेपी नड्डाए पण विपक्षी दळोनी आ बैठक पर निशान साध्यु हतु। यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 ईयर्स ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए। इस पार्टी के नाम तो बताओ आप, हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, दो टुकड़े हुए थे, तीन टुकड़े, सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे, तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। आपने जणावी दईए के विपक्षी दळोनी आ बैठकमां मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, आंध्रप्रदेशना मुख्यमंत्री सीएम जगनमोहन रेड्डी, आंध्रप्रदेशना पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू अने ओडिशाना सीएम नवीन पटनायके दूरी बनावीने राखी छे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।